हेलो माय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ये रेगुलर वूल है। ये मैं दो शेड्स ले रही हूँ, टू शेड की ये वाली रेगुलर वूल है जिसके साथ हम स्वेटर बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे, नेक लाइन डिज़ाइन हम बनाएंगे वूल के साथ। ठीक है, इसमें और एक सेफ्टी पिन यूज़ होगी और आपको बॉबी पिन चाहिए होगी ये वाली, और इसमें हम मैं बीड्स का यूज़ भी करूँगी, पर्ल्स जो भी आपको अच्छा लगे, और सेम कलर का हम थ्रेड यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें हम मैंने क्या किया है कि ये पहले हमने ये देखें, ये मैंने 50 सेंटीमीटर ईच ये स्ट्रिप मैंने ली है। ये देखें, ये भी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये भी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये भी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमने इसे क्या करना है, इसको हमने यहाँ से नॉट कर लेना है, यूँ इस तरह से ऐसे। यूँ ऐसे आपने टाइट करके देख लेना है फिर, ताकि ये नॉट जो है वो इतनी मोटी नहीं हो, वो थिक ना बने। तो आपने इसे फिर सेफ्टी पिन के साथ अच्छा, आप ये थ्री डिफरेंट कलर की भी ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ये तीनों ले सकते हैं। यूँ मैंने इसको इस तरह से कपड़े के साथ अटैच कर लेना है, और हमें मुझे चुटिया सी बनानी है इसकी, ब्रेड बनाऊंगी मैं, और फिर उसके साथ हम फ्लावर बनाएंगे। ये कपड़े के साथ अटैच हो जाए तो फिर वो इजीली बन जाती है, अदरवाइज आप किसी डिफरेंट वे में भी इसको हुकअप कर सकते हैं। ये देखिए, यूँ आपने जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, जैसे चुटिया बनाते हैं, इस तरह से यूँ हमने बना लेनी। अब हमने एंड पे भी इसको नॉट लगा लेना है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे, ये देखें, ये नॉट के साथ ऐसे, और ये इस तरह से। इस तरह अब हम यूं इस तरह इसको यूं इसका सर्कल बनाएंगे व्हील की तरह से। और यूं इसको इस पोजीशन में नहीं हमने रखना, हमने इसको यूं ऐसे रखना है कॉर्नर वाइज। यहाँ पे हाफ हो गया, ये देखिए ये आ गया।
तो यहाँ पे हम ये बॉबी पिन लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये खुले नहीं, लूज नहीं हो, ठीक है, ओपन ना हो। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ से कट कर देंगे। नॉट को हमने नीचे ऐसे ही रखना है, नीचे वाली साइड पे, और हमने इसकी ये वाला जो व्हील है ये इस डायरेक्शन को ऐसे है, तो ये वाला हमने दूसरी डायरेक्शन को इस तरह से स्टार्ट करना है। ये देखें एस की तरह से बन जाएगा ये। इस तरह से अब हमने सेम कलर का ये थ्रेड लिया है, यहां से हमने नीडल पास करनी है इस जगह से, और हर लेयर में से गुजरनी चाहिए नीडल। अब हम वन टाइम और इसको पास करेंगे। अब हम इसको सिक्योर करना है हमने, ताकि इसकी लेयर्स जो है वो ओपन ना हो। अब यूं इस तरह से हमने ये इसकी बैक साइड, ये देखें ये उल्टी साइड है जिसमें नॉट्स जो हैं वो इस साइड पे आई हैं, ये वाली फ्रंट साइड है इसकी, सही वाली जो राइट साइड है वो है। अब ये देखें, अब हमने कोई सा भी नेक जो आप बनाना, जैसा भी बनाना चाह रहे हैं आप, उसको ड्रॉ करें, या आप ये सॉरी स्टिच्ड के ऊपर भी आप ये बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप वी नेक के ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी चाहें तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नेक है उसका सेंटर क्या है, ठीक है, उसके सेंटर में हम इसको लगा लेंगे ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको, ये देखें मैंने डिफरेंट ये दूसरे येलो कलर में भी बनाए हुए, तो आप इसको किसी भी पैटर्न में ये बना सकते हैं, जैसे पट्टी के तौर पे भी लगा सकते हैं, जैसे वो होती हैं पट्टियाँ सी बनी हुई कुर्ते की या शर्ट की, यूँ इस तरह आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइलों में डिफरेंट तरीके से। तो ये मैं सर्कल नेक जो है उसके ऊपर लगा रही हूँ, ये देखें आप इस तरह से ऐसे इसकी साइडों पे यूं येलो वाले आ जाएंगे। ये इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत इजीली आसानी से बन जाता है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। सबसे पहले मैं इसमें पर्ल लगाऊंगी।
इस तरह से लगा के फिर हम इसको यूँ ऐसे स्टिच कर देंगे और सिक्योर कर लेंगे इसे। ये स्टिच जितने भी आप लगाना चाहें उतने ही आप लगा के इसे सिक्योर कर सकते हैं। और ये वाला जो ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी है ये आप हर चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, अपनी फुल कमीज़ के ऊपर भी बना सकते हैं, आप इसके मोटिफ बना सकते हैं, आप इसको जस्ट सिंगल सर्कल बना सकते हैं, ये डबल नहीं भी बनाना चाहें। गले के ऊपर आपने जैसे डबल बनाया तो शर्ट की सेंटर में सारे आप ये सिंगल एक एक सर्कल बना के इसको बना सकते हैं। और इसको आप अपने दुपट्टों के ऊपर बना सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। इसका कोई कलर का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वूल होती है तो कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे प्लेन अगर आपको डोरी की मिल जाती है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, आप कपड़े की डोरी बना के इस गले को बना सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से मैं पूरे ये पूरे का पूरा गला जो है ये बना दूंगी इस तरह से, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। बाजुओं का बॉर्डर बन सकता है, दुपट्टे का बॉर्डर बनता है इससे, साड़ियों के बॉर्डर के ऊपर अपना साड़ी का पल्लू का बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर बना सकते हैं आप, पूरी साड़ी के पल्लू में इसको एक एक करके आप स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।